अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। आज फिर क्या है, बहुत छोटी क्लास है, तो आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा। ओके, यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट डाटा यूनिट कौन सा है, बिट है, बाइट है, वर्ड है, क्या है? स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बिट। क्या आता है? बिट। बिट का मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट, यानी कि जीरो और या वन। ठीक है, यानी कि क्या है, जीरो या वन, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बिट। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाले क्या है, फोर बिट्स हों, तो वो हमारे पास क्या बनता है, वन नेबल। क्या कहा है, वन नेबल। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, आठ बिट्स हों, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, वन बाइट्स। ओके, अगर हमारे पास क्या है, 16 क्या हो स्टूडेंट्स, बिट हो, तो वो हमारे पास क्या बनता है, वन वर्ड। ओके, वन वर्ड क्या बनता है, वन वर्ड। अगर आप यहाँ पे देखें, बिट, नेबल, बाइट, ओके, लास्ट पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, वर्ड। वर्ड हमारे पास क्या होता है, जो क्या होता है, 16 बिट के ऊपर डिपेंडेड होता है। ये यूनिट अभी इससे आगे भी हैं, लेकिन हम जो MCQs पढ़ रहे हैं, MCQs में क्या है, वर्ड तक है। ओके, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, यानी कि इन में से लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन सा है। पहला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, बिट। नो, बिट हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल करेक्टर होता है, या जीरो होगा या तो वन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेबल। नेबल हमारे पास क्या होते हैं, फोर बिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, बाइट। बाइट हमारे पास क्या होता है, 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, वर्ड। वर्ड में हमारे पास क्या होते हैं, 16 बिट्स होते हैं। तो लिहाजा जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, डी।